फ्रेंड्स, सिख की महिमा में आप सबका स्वागत है और जय भोलेनाथ। फ्रेंड्स, तो ये मेरी पूजा हो रही है, सावन चल रहा है। तो सावन में गुरु जी कहते हैं दो लोटा जल से ही शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भार हो जाता है उनके ऊपर। तो ये दो लोटा जल का क्या है ये तो गुरु जी जानते हैं। तो मैंने दो लोटा जल से ये शिवलिंग का अभिषेक किया और ये फिर मैंने चंदन और यहाँ जो लगा रही हूँ सिंदूर, ये गुरु जी कहते हैं यहाँ सभी ने शिवलिंग में पूरे पूरे भगवान रहते हैं। तो ये गौरा जी के लिए मैं सिंदूर लगा देती हूँ, तो गौरा जी को समर के वहाँ सिंदूर लगाती हूँ। और ये है मेरे गणेश जी, यहाँ गणेश जी को मानते हैं तो गणेश जी की समर के पूजा करते हैंगे। कार्तिक जी हैं, उनकी बेटी हैंगी तो उनको भी सुमर के पूजा कर लिए अपन ने। गणेश जी को भी फिर यहीं से दूबा भी चढ़ा देते हैंगे, क्योंकि अभी गणेश जी मेरे बैठे नहीं, सिर्फ शिवलिंग है मेरे पास छोटे से, तो मैं सभी उसी में सुमर के चढ़ा देती हूँ। और लाल फूल भी जो होता है तो मैं सुमर के उनको गौरा जी को सुमर के ही चढ़ाती हूँ लाल फूल। कभी देखना मेरी वीडियो में लाल फूल चढ़ा रहता है शंकर जी के पास, तो कई कई जन विचार करने लगते हैं कि ये लाल फूल क्यों चढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई जन आते तो बोलते ये लाल फूल यहाँ क्यों भगवान के पास चढ़ाए हो, तो उनको पता नहीं रहता है। तो मैं बता देती हूँ कि गौरा जी जो होती हैं उनको सुमर के ही रखा जाता है, पार्वती को जी को सुमर के ही रखा जाता है लाल पुष्प, और सिंदूर भी उनको लाल फूल लाल सिंदूर जो लगाते हैंगे जलाधारी में, तो वो गौरा जी तो हैं ही हैं अपनी, है ना। और ये है तो सावन चल रहा है तो कनेर के दो पुष्प मैंने समर्पित की हूँ, और सभी जो फूल उल हैं ये समर्पित कर दी मैंने। और ये केला है तो मैंने जलाधारी में नहीं रखी हूँ फ्रेंड्स, केला ये जलाधारी के दूर रखी हूँ। कहते जलाधारी में जो होता है वो किसका होता है गुरुजी बताते हैंगे, तो मैं वहाँ जलाधारी में नहीं रखी हूँ, थोड़ी दूर रखी हूँ कि उसको जो प्रसाद चढ़ा हुआ उसको सबको को बांट सकूं। और ये है मेरी शाम की पूजा, मैं ये पूजा कर रही थी तो मैं ज्योत जला के ज्योतिर्लिंग देखना चाहती थी कि ज्योत में क्या चीज़ दिख रहा है। तो उस दिन की पूजा है, मैं ज्योत में देख रही थी तो ज्योत कहीं ऐसी हो रही थी वैसी हो रही, अच्छा लगा था फ्रेंड। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए।